बहरोर कस्बे के उपखंड कार्यालय पर उप कारागृह के कर्मचारियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने बाबत भूख हड़ताल को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि वेतन विसंगति के समझौते को एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया, इस वजह से 3 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। 11 माह पहले भी भूख हड़ताल की गई थी, जिसके बाद सरकार ने मांगे मान ली थी, लेकिन मांगों को अब तक लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर मैस का बहिष्कार कर समस्त जेल कर्मी भूख हड़ताल पर रहेंगे। 98 से हमारा वेतन विसंगति चल रही है, उसमें सरकार ने हमने पहले भी प्रयास किया, सरकार ने हमारे को आश्वासन भी दिया गया, 11 माह पूर्व भी हमारे द्वारा इसमें हमने भूख हड़ताल रख करके अपना कार्य पूर्ण सरकार का पूरी का पूर्ण कार्य निभाते हुए हमने कार्य करते रहे, भूख हड़ताल करते रहे, और अभी भी हमारा यही है कि सरकार का कार्य नहीं रुकने देंगे, बाकी हम भूखे रह करके कार्य करेंगे। पहले भी आपको आश्वासन दिया हमारे को पहले भी कितने दिन तक ये भूख हड़ताल पर करते रहे? 4 रोज रही थी, उसमें लिखित में ये दिया गया था हमारे को आश्वासन कि आपका ये जो वेतन विसंगतियों का कार्य पूर्ण हो जाएगा और आप इससे निष्क्रिय कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य पूरा निभाते रहें, और हम आज तक और अभी भी हमारा यही है कि हम श्रीमान कलेक्टर साहब को आग्रह करें कि वो हमारे हैं कि इसलिए कि वो सरकार से हमारे लिए कुछ कहें कि हमारी ड्यूटियाँ होते हुए थी, आज हम उन पुलिस कर्मचारियों से 10,000 रुपये एक कर्मचारी नीचे ले रहे हैं। पहले हमारा सम्मान वेतन था 98 तक, और हम ये सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमें क्यों पिछवाड़ा किया जाता है, या फिर हमारी वर्दियाँ दे रखी है तो उसका पूर्ण हमारा सम्मान किया जाए, या फिर उस हिसाब से हमारे को ये रखा जाए कि भाई ये इनकी हमारी वेतन विसंगति।